तो आपने यह तस्वीर देखी? देखिए, आमतौर पर अगर सड़कों पर बिहार पुलिस के बड़े अधिकारी या बिहार सरकार की गाड़ी गुजरती है तो छोटे अधिकारी उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जब सिस्टम पर आती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ राजन कुमार, आप बने हुए न्यूज़ पीआर के साथ। जरा इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में साफ तौर से आपको शराबबंदी वाले बिहार में किस तरीके से शराब का खेल चलता है इससे जग जाहिर हो गया है। साफ तौर से लगातार बिहार वाले शराबबंदी में पुलिस छापेमारी करती है, रेड करती है, लेकिन कहा जाता है ना, तू डाल डाल तो मैं पात पात। साफ तौर से यही देखने को मिला है कि बिहार में शराबबंदी है और इसके बावजूद भी किस तरीके से बिहार में शराब की खेप आती है और किस तरह से लाया जाता है, वो तस्वीर भी आपने कई बार देखा होगा। तहखाने, एम्बुलेंस, लेकिन इस बार यूपी बिहार बॉर्डर पर जिस तरीके से बिहार सरकार का लिखा हुआ एक गाड़ी को जब पुलिस रुकवाती है, हिम्मत दिखाती है, तो सारी सच्चाई सामने आ जाती है कि बिहार सरकार का लिखा हुआ स्टिकर लगा हुआ गाड़ी में किस तरीके से पुलिस शराब बरामद करती है। उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिलती है, गुप्त सूचना मिलने के बाद छापेमारी और नाकाबंदी की जाती है। नाकाबंदी में बिहार सरकार का स्टिकर लगा हुआ गाड़ी एक गुजरता है जिसे रोकवाया जाता है। रोकवाने के बाद उसमें चेकिंग की जाती है तो शराब का भारी मात्रा उसमें मिलता है। अब यह जाहिर सी बात है कि बिहार सरकार का लिखा हुआ गाड़ी किस तरीके से शराब का डिलीवरी कर रहा है वो भली भांति आप समझ सकते हैं। जब गिरफ्तार किए गए युवक से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि कंसाइनमेंट पटना पहुँचाना था। अब पटना किसे पहुँचाना था, तमाम बातों को लेकर जांच की जा रही है। जिस तरीके से बिहार के महुआ का रहने वाला यह युवक है जो पुलिस के गिरफ्त में है, तो हम साफ तौर से कह सकते हैं कि बिहार में शराब का खेल किस तरह से करता है। हालांकि उत्पाद विभाग ने बड़े कंसाइनमेंट को पकड़ा है और बिहार सरकार लिखे हुए स्टिकर जो गाड़ी है उसे भी जब्त किया है।